आप तमाम नाज़रीन का एवरी टाइम्स न्यूज़ चैनल में खैर मक़दम है। सेक्रेटरीट मस्जिद की तामीर नौ की जिम्मेदारी संभालने वाले ट्रिपल एम इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंट के डायरेक्टर मोहम्मद मोईद खान ने मीडिया से बात करते हुए सेक्रेटरीट मस्जिद की तामीर नौ का ये सुनहरा मौका उन्हें फराहम करने के लिए महकमे R&D का शुक्रिया अदा किया, जिसकी तस्दीक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबर उद्दीन ओवैसी ने की थी, जिसका डिज़ाइन तुर्की आर्किटेक्ट पर मुश्तमिल है। इस मौके पर मोहम्मद मोईद खान ने तेलंगाना रियासत के चीफ मिनिस्टर CM KCR का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा किया इन पर भरोसा जताने के लिए, और कहा कि CM KCR भी इस मस्जिद को खूब ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा आलिशान बनाने के लिए पुरअज़म है। आइए जानते हैं इस खसूस में मज़ीद तफसीलात एवरी टाइम्स न्यूज़ चैनल के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल मोईद खान है। मैं R&B और आर डिपार्टमेंट का, मेरी कंपनी ट्रिपल एम इंफ्रास्ट्रक्चर का मैं डायरेक्टर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस मस्जिद का काम करने का मौका मिला। मैं खुशकिस्मत हूँ और इसको मैं इतने इंटरेस्ट से कर रहा हूँ जैसे तरह से CM साहब भी सेक्रेटरीट इंटरेस्ट से बनाए, वो उसी तरह से ये भी एक आलिशान मस्जिद बनने का जो इरादा हमारे गवर्नमेंट KCR साहब ने रखे हैं, इस तरीके से इसको भी हम जो महमूद अली साहब ने स्पेशली इसका डूम का डिज़ाइन किया, और ये जो है सो हमारे आली जनाब अन्नावल MLA अकबर साहब ने जो प्लान दिया था उसके मुताबिक काम चल रहा है। 25 तारीख की डेट दिए गए और लास्ट 18 तारीख को तमाम वफद के तहत यहाँ पे तशरीफ लाए थे, जो हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन है, माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन है, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन चेयरमैन है, MLA शकील साहब है, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब, तमाम वफद के साथ और TRS पार्टी के साथ 18 तारीख को यहाँ इंस्पेक्शन कर रहे थे, और वो काम तकरीबन उस तारीख से रात और दिन चल रहा है, लेकिन उस तारीख से कंटिन्यू बारिश हो रही है। उसके बावजूद भी हमने ऊपर पर्दे लगाया के वो काम ऊपर गुम्बद का गुरु का काम चल रहा है, जो डीजल नक्शबंदी का काम है वो नहीं रुकना पानी आने की वजह से भी, तो हम उसको स्पेशल तार पटरी डाल के उसके साथ कर रात और दिन हम उसको कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम 25 तारीख को इस मस्जिद का इफ्तिताह अमल में आएगा, और खुशी की बात तो यह है कि भाई ये मस्जिद जो है स्पेशली एक ऐसा है और रास्ते से जाने वाले भी आके इसमें पढ़ सकते हैं, और साथ साथ इसमें एक अच्छा है 5 वक्त की नमाज़ होती है, ये क्योंकि अगर सेक्रेटरीट के अंदर थी जब मस्जिद में ईशा की नमाज़ फजर की नमाज़ होना मुश्किल था, तो अब जो है सो ईशा मगरिब वहाँ 5 वक्त की नमाज़ होगी, और क्योंकि बाजू क्वार्टर बनाया गया अभी वो क्वार्टर का अंदर तो पूरा काम होगा, अभी इन्वेस्टमेंट का काम हो रहा है। ये बजट इससे पहले 1 करोड़ तकरीबन 5 करोड़ तक तो, क्योंकि GST 18% हो गए, जब इससे पहले GST 12% थी, अब GST 18% हो गई, इसमें 1 करोड़ तो गवर्नमेंट की GST रिटर्न चले आता, तो इस तरीके से 5 करोड़ रुपये तक इसका लागत है। लोग बोलेंगे कि ऐसी कैसी मस्जिद है 5 करोड़ की बोलेंगे, लेकिन इसमें कई चीज़ें होती है, सिमरिज चार्जेस होते हैं, सेस चार्जेस रहते हैं, बाद में तकरीबन 20-25% कट जाता है। इसे करने के बाद एक्चुअली मस्जिद जो है 5 करोड़ की है, लेकिन इसमें जो गवर्नमेंट के नाम के हिसाब से GST गवर्नमेंट को 18% के हिसाब से ले आता और सिंधिक चार्ज जाता, इस तरह से ये 5 करोड़ की मस्जिद हो रही, इसलिए कास्ट बढ़ गया। जब जो है सो इसका जो है सो GST कम था, अब GST बढ़ गया, मुकम्मल हो जाएंगे इंशाल्लाह 25 तारीख से पहले ही मुकम्मल हो जाएंगी, क्योंकि अब बारिश के लिहाज से उसकी प्रिकॉशन करके हम उसको टाटपान डाल के और पूरा प्रिकॉस्ट करके पूरा जालियाँ वगैरह पूरा बिठा दिए हैं, अंदर मेंबर का काम भी चल रहा है, और अलहमदिल्ला फ्लोरिंग का काम भी 1-2-3 दिन में चालू हो जाएंगे। पढ़ने की कैपेसिटी है, ये 50x50 की मेन बिल्डिंग है, एक्चुअली तो ये जो 1600 गज की ज़मीन है, क्योंकि ये ग्रीन बिल्डिंग है, जो सामने सेक्रेटरीट बिल्डिंग है ये ग्रीन बिल्डिंग है, इसको पूरा इसका जैसा 28 एकड़ का लैंड है उसमें से सिर्फ 2 एकड़ पे 3 एकड़ पे सेक्रेटरीट बनाया गया, 25 एकड़ जो है सो सराउंडिंग छोड़ दिया गया, और इसको भी जो है सो म्यूनसिपल के नाम्स के हिसाब से इसको सामने हिस्से में 20 फीट छोड़ा गया, पीछे हिस्से में 10 फीट छोड़ा गया, उधर बाजू 15 फीट छोड़ा गया, इस तरीके से ऑलराउंड इस मस्जिद को छोड़ना पड़ा, क्योंकि गवर्नमेंट के नाम से म्यूनसिपल के नाम से, और इसके साथ साथ जो है सो अपने पार्किंग के लिए जगह होना तो सामने पार्किंग के लिए जगह है, और उधर लॉन्स बनते हैं अंदर, और उधर टॉयलेट्स हैं, और ऊपर इमाम के हाय, और मस्जिद हाशमी छोटी जो है उसके मुकाम पर वहाँ बड़ी छोटी है जो 18x18 की है, और ये जो है तो 50x50 तकरीबन इसके अंदर, अगर अब तो मस्जिद के अंदर 250-300 आदमी तक नमाज बआसानी से पढ़ सकते हैं, और अगर पढ़ना चाह रहे तो अंदर हिस्से में जगह है, वो जगह में भी 200-300 आदमी पढ़ ले सकते हैं,
वो क्योंकि उसको भी तैयार करेंगे हम ये मस्जिद के इनाग्रेशन के टाइम पे, तो ये इफ्तार वगैरह के लिए भी वहाँ पे अलग इंतजाम। हज व उमरा की बेहतरीन खिदमात का भरोसेमंद नाम अलहीन ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। सऊदी अरब और हिंदुस्तान से मंजूर शुदा अलहीन ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड मक्का और मदीना के करीब रिहाइश और हैदराबादी लजीज खाने, मुकदस मुकामात की ज्यारत, डायरेक्ट फ्लाइट, 15 दिन का पैकेज डीलक्स सिर्फ और सिर्फ 95,000 रुपये और बजट पैकेज सिर्फ 85,000। इसके अलावा लग्जरी ट्रांसपोर्टिंग। उजलत करें, देर ना कीजिए, इस सुनहरे मौके से फायदा उठाएं। अलहीन ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, फर्स्ट फ्लोर, बाबू खान स्टेट, बशीरबाग। मजीद जानकारी के लिए 9949940160 या फिर 04048549586 पर भी रابطہ कर सकते हैं।